केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के लिए और बजट की मांग की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का कहना है कि इस साल अलॉट किया गया 48,000 करोड़ रुपए का बजट मनरेगा के लिए कम पड़ रहा है। 2017-18 के बजट के दौरान अरुण जेटली ने कहा था कि मनरेगा के लिए इस साल अब तक का सबसे ज्यादा बजट अलॉट किया गया है। इस साल ये बजट 48,000 करोड़ का था। इस 48,000 करोड़ में से अब तक 40,000 करोड़ रुपए राज्य सरकारों को दिए जा चुके हैं, यानी कि केंद्र के पास इस वक्त मनरेगा के लिए सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए ही उपलब्ध हैं, जबकि कई राज्य सरकारें और फंड की मांग कर चुकी हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक बयान जारी कर साफ किया कि मनरेगा के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 40,480 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में जारी की गई धनराशि से लगभग 4,500 करोड़ रुपए ज्यादा है। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल मनरेगा के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं है। हालांकि मंत्रालय ने आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त धनराशि की मांग की है। गौरतलब है कि पिछले साल ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से 15,000 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसमें से सिर्फ 9,000 करोड़ रुपए ही मंजूर किया गया था। नमिता सिंह की रिपोर्ट, गो न्यूज़।